सुप्रभात। आज हम कक्षा 10 की हिंदी की क्षितिज पाठ्य पुस्तक का काव्यखंड करने जा रहे हैं। काव्यखंड में पहला पाठ हमारा है सूरदास, भक्त कवि सूरदास की रचनाएं पद के माध्यम से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कवि के बारे में, सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के रुनकता या रेणुका क्षेत्र में माना जाता है, जबकि दूसरी मान्यता यह है कि उनका जन्म दिल्ली के पास सिही गांव में हुआ। महाप्रभु बल्भाचार्य के शिष्य थे और अष्टछाप कवियों में इनका प्रमुख स्थान था। इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में पारसोली में हुई। इनके प्रमुख जो ग्रंथ है सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर जो है सर्वाधिक लोकप्रिय है। खेतीबाड़ी और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का सुर कोश कविता में मिलता है। सुर जो है बात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण भक्त कवि थे और मान्यता है कि सूरदास जनमान थे, लेकिन इनकी काव्य रचनाओं को पढ़ने के बाद विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि ये जनमान्ध थे। हमारे पद हैं भ्रमर गीत से लिए गए हैं। भ्रमर गीत के बारे में जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। भगवान श्री कृष्ण जब ब्रज को छोड़कर मथुरा चले गए थे, उस समय गोपियां उनकी याद में तड़पती रहती थी। भगवान श्री कृष्ण भी अक्सर अपने भाई बंधुओं से गोपियों के प्रेम की चर्चा करते रहते थे। भगवान श्री कृष्ण के एक चचेरे भाई थे उद्धव जी। उन्हें योग का बहुत ज़्यादा ज्ञान था और उन्हें ये था कि हमें ईश्वर के निर्गुण रूप की उपासना करनी चाहिए, सगुण रूप की उपासना करके हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। और अक्सर वो भगवान श्री कृष्ण को ये चीज़ बताते रहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें प्रेम का पाठ समझाने के लिए गोपियों के पास योग का संदेश देने के लिए भेज दिया, या ये कह सकते हैं कि कहा कि योग के संदेश की जो ज़रूरत है वो गोपियों को बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो मेरी याद में तड़प रही है। जब उद्धव जी अपने इस घमंड में चूर होकर गोपियों के पास ब्रज में आते हैं, तब गोपियां और उद्धव जी के बीच जो संवाद होता है वो ही भ्रमर गीत में दिया गया है। हमारे पाठ्यक्रम में भ्रमर गीत के 4 पद लिए गए हैं, तो पहला पद जो है वो हम पढ़ रहे हैं। उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सनेत गाते नाहिन मन अनुरागी, पुर इन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, जो जल मह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव ने बोरियो दृष्टि रूप ने परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुर जानटी ज्यों पागी। इसमें पहली पंक्ति में गोपियां उद्धव जी को कह रही हैं कि हे उद्धव जी, आप बहुत ही बड़भागी हो, भाग्यवान हो। एक तरह से ये व्यंग है, ताना मार रही है गोपियों को। गोपियां व्यंग से उन्हें भाग्यवान कह रही है, वास्तव में वो गोपियां जो है उद्धव जी को भाग्यहीन कहना चाहती हैं। क्यों कहना चाहती है? अपरस रहत सनेत गाते, कि भगवान श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम से आप अछूते रह गए, उनके प्रेम रूपी धागे, सनेत गा मतलब स्नेह रूपी धागे से अछूते रह गए, उससे अलिप्त रह गए। नाहिन मन अनुरागी, उनके प्रति आपके मन में किसी तरह का प्रेम प्रकट नहीं हुआ। पुर इन पात रहत जल भीतर, आपकी स्थिति तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे पुर इन पात कमल का पत्ता जल में रहता है, जल के भीतर रहता है, जल के ऊपर रहता है। तारस देह न धागी, फिर भी उस पर जल का कोई असर नहीं पड़ता, मतलब जल के कारण उस पत्ते पर कोई भी दाग धब्बा नहीं होता। जो
दूसरा उदाहरण देती हैं, जो जल महा तेल की गागरी बूंद न ताको लाकी। कहती है जिस प्रकार तेल का कोई मटका है जिसको हमने तेल लगा दिया है, उसको अगर हम जल में डुबो भी दें तो जो बूंद उसके ऊपर जल की एक बूंद, पानी की एक बूंद भी नहीं लगेगी, बिल्कुल आप तो उस तरह हो कि आप पर भगवान श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी श्री कृष्ण से प्रेम नहीं कर पाए आप। प्रीति नदी में पाँव ने बोरियो, दृष्टि रूप ने परागी। आपने तो कभी प्रेम रूपी नदी में पाँव ही नहीं रखा, मतलब आपको पता ही नहीं है प्रेम नहीं क्या होता है, ना ही आपने कभी उस पर अपनी दृष्टि डाली है। लेकिन सूर्यदास अबला हम भोरी, गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव जी, हम तो अबलाएँ हैं और भोली भाली हैं, गुर चांटी ज्यों पाकी। जिस तरह चींटियों को पता है कि गुड़ में लिपटने पर उनकी मृत्यु निश्चित है, फिर भी वो गुड़ की तरफ ही जाएंगी, बिल्कुल वैसे ही हमें भी पता है श्री कृष्ण हमें प्राप्त नहीं होंगे, लेकिन इसके बावजूद हम श्री कृष्ण से प्रेम करना नहीं छोड़ पा रही। इसमें प्रीति नदी में अनुप्रास अलंकार है, गुड़ चांटी ज्यों पागी इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, ब्रजभाषा का प्रयोग है, व्यंगात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। पुर इन पात और तेल की गागर, इसके द्वारा बहुत ही सुंदर उदाहरण जो है सूरदास जी ने दिए हैं। हमारा दूसरा पद है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जग संदोषन सुनी सुनी, बिरहिन बिरह दही। चाहती हुती गुहारी जित ही ते, उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर्जादा न लही। इस पद में गोपियाँ कहती है कि हमारे मन की जो बात थी वो मन में ही रह गई है, मांझ मतलब मध्य मन के अंदर ही रह गई है, कहिए जाए कौन पे उधो, किसको जाकर कहें, हमारी यहाँ कोई भी सुनने वाला नहीं है, ना ही परत कही, अगर कोई सुनने वाला मिल भी जाए तो हमारे मन में जो कृष्ण के प्रति प्रेम है वो बात हम हर एक को या किसी को नहीं कह सकती। अवधि आधार आस अवन की, समय के साथ हमें उम्मीद थी कि एक ना एक दिन श्री कृष्ण अवश्य आएंगे और हमारी सुध लेंगे, तन मन बिथा सही, उसी उम्मीद के सारे, तन मन बिथा सही मतलब हमने तन और मन की जो पीड़ा थी उसको सहन किया। अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी, कि अब आपने ये योग का संदेश सुनाया, इस योग के संदेश को सुनने के बाद बिरहिन बिरह दही, मतलब हम बिरहिनियों का वियोग में जो तड़पती हुई नारियां हैं वो बिरह में और अधिक दही मतलब जलने लगी हैं, मतलब हमारी बिरह वेदना जो है और अधिक बढ़ गई है। चाहती हुती गुहारी जितहते, जिस दिशा में हमने पुकार की, जिस दिशा से हमने पुकार की कि भगवान श्री कृष्ण उस दिशा से आएंगे और हमारी सुध लेंगे, उतते धार भई, उस दिशा से भगवान श्री कृष्ण तो आए नहीं, उस दिशा से योग की धारा बहने लगी, अर्थात उस दिशा से आप योग का संदेश लेकर आ गए। सूर्यदास अब धीर धर ही क्यों, गोपियां कहती है कि अब हम धैर्य क्यों धारण करें या कैसे धारण करें, मर्यादा न लही, जब भगवान श्री कृष्ण ने ही प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया, अर्थात श्री कृष्ण को स्वयं यहाँ आना चाहिए था, हमें समझाना चाहिए था, वे स्वयं ना आकर उन्होंने आपके हाथ संदेश भेजा तो उन्होंने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया, तो अब हम धैर्य क्यों धारण करें। इस पद में गोपियों की विरह व्यवस्था की जो है सटीक अभिव्यक्ति हुई है, अनुप्रास अलंकार का अवधि आधार आसावन में और सुनी सुनी में पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। वियोग श्रृंगार रस मतलब जहाँ वियोग की अधिकता है इसलिए श्रृंगार रस में वियोग श्रृंगार रस का परिपाक है और ब्रज भाषा का प्रयोग इस काव्य पंक्तियों में या इन काव्य पंक्तियों में किया जाया गया है।